धरती के नक्शे पर श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा देश है, पर क्रिकेट की दुनिया में श्रीलंकन क्रिकेट टीम का नाम दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है। क्रिकेट की इस यात्रा में इस देश ने जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है और श्रीलंका को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सारे श्रीलंकन प्लेयर्स ने दिन रात मेहनत की है। इन्हीं बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक नाम अरविंदा डिसिल्वा का है, जिन्होंने विश्व मानचित्र पर स्थित एक छोटे से देश को क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1996 के वर्ल्ड कप फाइनल का वो मैच भला कोई क्रिकेट प्रेमी कैसे भूल सकता है, जहां डिसिल्वा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के तीन बेहतरीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और वहीं नाबाद 107 रन बनाकर श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। पर इस महान खिलाड़ी का क्रिकेट करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, खासकर स्टार्टिंग के कई साल जल्दी विकेट गंवा देने की वजह से उन्हें बहुत बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। पर इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने टेम्परमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपनी आक्रामक शैली से ही अपने गेम को आगे बढ़ाते रहे। इस महान बल्लेबाज का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। अरविंदा डिसिल्वा का पूरा नाम देशबंधु पिनाडुबा के अरविंदा डिसिल्वा है और इन्हें श्रीलंका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक माना जाता है। डिसिल्वा ने अपनी पढ़ाई कोलंबो से पूरी की और अपने आक्रामक बैटिंग स्टाइल और जल्दी विकेट गंवा देने की वजह से क्रिकेट की दुनिया में उन्हें मैडमैक्स के निकनेम से भी जाना जाता है। सिर्फ 18 साल की उम्र में डिसिल्वा ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की, पर इनिशियल स्टेज में वो ज्यादा रन नहीं बना पा रहे थे और छोटे छोटे स्कोर पर अपना विकेट गंवा दे रहे थे। 1985 में फैजलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने एक बड़ी पारी खेली, जहां उन्होंने शानदार शतक लगाया। इसी सीरीज में कराची में खेले गए मैच में एक बार फिर से उन्होंने शतक की पारी खेली। अर्ली 90s के पहले तक उनकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट ही रही, पर इसके बाद 1991 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए टेस्ट मैच में डिसिल्वा ने शानदार डबल सेंचुरी लगाई, पर इसके बावजूद श्रीलंका विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीतते हुए रह गई। मार्टिन क्रो और एंड्रयू जोन्स की शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप की वजह से न्यूजीलैंड की मैच ड्रॉ कराने में सफल रही। पर इसके बाद 1992 में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए टेस्ट मैच में जब श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 54 रन चाहिए थे, तब डिसिल्वा के आउट हो जाने की वजह से श्रीलंका ये टेस्ट मैच 16 रनों से हार गई। इसकी वजह से डिसिल्वा को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। 1995 में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के साथ खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी सीरीज में डिसिल्वा ने 5 मैच में 29.25 की एवरेज से मात्र 117 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में डिसिल्वा ने मात्र 16.33 की एवरेज से 98 रन बनाए। इस सीरीज में ग्लेन मैकग्रा ने 21 विकेट्स लिए थे। इसके बाद वह क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में श्रीलंका ने इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर सीरीज को होस्ट किया। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने कोलंबो में सिक्योरिटी रीजन की वजह से खेलने से मना कर दिया, पर जिम्बाब्वे और कीनिया के साथ खेले गए मैचेस में डिसिल्वा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जहां उन्होंने 91 और 145 रनों की पारी खेली थी। डिसिल्वा की 115 बॉल्स पर खेले गए 145 रनों की ओडीआई पारी श्रीलंका की तरफ से हाईएस्ट स्कोर रही और 1996 वर्ल्ड कप की थर्ड हाईएस्ट स्कोर रही। सचिन तेंदुलकर की शानदार 137 रनों की पारी के बाद भी श्रीलंका ने इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका से बाहर इंग्लैंड पर श्रीलंका की यह पहले जीत रही। सेमीफाइनल में एक बार फिर से इंडिया श्रीलंका आमने सामने थे। कलकत्ता के ईडन गार्डन में इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और श्रीनाथ ने इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई और एक रन पर श्रीलंका के दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया और तीसरा विकेट भी श्रीनाथ ने जल्द ही गिरा दिया। पर उसके बाद डिसिल्वा ने 47 बॉल्स पर 66 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और श्रीलंका के स्कोर को 251 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई और उनके 34 ओवर्स में 120 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद दर्शक गुस्सा कर फील्ड पर पानी की बोतलें फेंकने लगे और स्टेडियम में कई प्लेसेस पर आग भी लगा दी, जिसकी वजह से मैच रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद जब फिर से मैच स्टार्ट किया गया तो फिर से दर्शक बॉटल्स फेंकने लगे, जिसके बाद मैच रेफरी ने मैच खत्म कर दिया और श्रीलंका को जीत मिल गई। इसके बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अरविंदर डिसिल्वा ने जो परफॉर्मेंस दिया उसे वेस्टन ने 2002 में 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटिंग परफॉर्मेंस इन ओडीआई में रिकॉग्नाइज किया और उनकी बॉलिंग वाज रैंक्ड 82 इन वेस्टन टॉप 100 बॉलिंग चार्ट। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1991 में उन्होंने शानदार 267 रन बनाए।
और 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने फाइनल टेस्ट इनिंग में एक बार फिर से डबल सेंचुरी लगाई। साथ ही टेस्ट क्रिकेट के अपने आखिरी टेस्ट बॉल पर उन्होंने विकेट भी लिया। 2003 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया। फाइव विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 1996 में उन्हें शामिल किया गया। विजडन की टॉप 100 बैटिंग परफॉर्मेंसेस में डिसिल्वा के 6 परफॉर्मेंसेस शामिल हैं, जो महान विविन रिचर्ड से सिर्फ एक कम है। 2011 में वो कुछ समय के लिए श्रीलंका की नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया, पर 2016 आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले उन्हें एक बार फिर से नेशनल सिलेक्शन कमेटी का हेड अपॉइंट किया गया। 5 मई 2017 को उन्होंने रिजाइन किया। श्रीलंकन क्रिकेट और क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा और एक महान खिलाड़ी के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में से एक अरविंद डिसिल्वा के जीवन की कहानी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें बायोग्राफी की दुनिया को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।